ये एक टोला जा रहा है, उसका समय हो गया। जिसका समय होता है वो उठ जाता है। मैं इन जाने वालों को प्रणाम करता हूँ। बैठे हुए लोग मुझे इस बात की आश्वस्ति देंगे कि मुझे कितनी देर बोलना है। जो लोग बैठे हैं ये जाने वालों की सम्मान में बैठे हैं या कविता सुनने के लिए बैठे हैं, ये मुझे तय करना है, आपको तय करना है। ये पूरा कवि सम्मेलन रजनीश से शुरू हुआ और जानी पर आकर के विराम पा रहा है। अब सारे बाजे बज चुके हैं। इन सारे बाजों के बजने के बाद अपना नंबर आया है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब तक मेरा नंबर आएगा तो कितने लोग बचेंगे, क्योंकि मैं हिसाब लगा रहा था। तो बिठा दिया था मुझको न्याय सहित पे, तो मैं हिसाब लगा रहा था कि जब यह कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो बहुत सारे लोग हुआ करते थे, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। अब खाली हो गया, चले गए, न जाने कहाँ चले गए, किस गति को प्राप्त हुए मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक ही हिसाब लगा रहा था कि उतने सारे लोगों को उठाने में इतनी कविताएं लगी, तो इतने लोगों के लिए कितनी होंगी। आप, मैं इस बात से खुश हूँ कि ये पीछे की पंक्ति में बैठे हुए लोग उस उक्ति को साबित कर रहे हैं जो ये हमारी माता बहनें अपने घरों में करती हैं। सूपड़ा फटकती हैं, सूपड़े की अगली पंक्ति पे आके जो झटक फटक दिया जाता है वो कचरा बगदा होता है, जो पीछे बचता है वो माल होता है। तो ये कवि सम्मेलन रूपी सूपड़े की पिछली पंक्ति पर बचा हुआ जो माल है वो मेरे भाग्य में आया है गणेश चतुर्थी के दिन, इसलिए मैं इस माल को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आपने देखा कविताओं के कई तेवर यहाँ से वहाँ तक होकर के आपके बीच में चले गए। वाल्मीकि की बात करी, वाल्मीकि क्या था, एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था उसके अंतर मन को। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था उसके अंतर मन को। तो असंख्य लोग हम उसके वंशज हैं। ये कहते हैं वाल्मीकि अलग है, वो अछूत है और वो भूत है। हम उसके खानदान के, हमारी जात वाल्मीकि की जात है। वो कवि था, हम कवि है, उसके खानदान में पैदा हुए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है और उस सिद्धांत को लेकर के हम जीते हैं। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा। वो वाल्मीकि एक क्रौंच का वध नहीं देख पाया। हाँ, उठने वाले उठ जाओ प्यारे। हाँ, इनकी आशा के अनुरूप नहीं उतार पाएंगे अपन अपने आप को, क्योंकि इस कवि सम्मेलन की शान कुछ अलग तरीके की है। और मुझे जिस स्थान पर बिठाया गया है, जिस पीढ़ी के साथ में बिठाया गया है, उस पीढ़ी के साथ मुझे अपने भाव का भी स्थापन करना बहुत जरूरी महसूस होता है, क्योंकि मैं जिस पीढ़ी के साथ बैठ करके कविता पाठ करता रहा हूँ वो पीढ़ी अब इस संसार में नहीं है, विदा होती चली जा रही। मुश्किल से दो चार लोग बचे होंगे, तो बचे होंगे। मुझे 57 साल हो गए ये कविता करते हुए, और लटके झटके का काम अभी तक कर लेता हूँ। हाँ, मुझे आता, अभी ये बार बार कह रहे थे कि वो बोला भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मत बोल। अरे एक आदमी भारत माता की जय नहीं बोलता तो हिंदुस्तान के सारे टेलीविजन उसे दिखाते हैं, और जो सैकड़ों लोग हजारों लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, जनगण मन जा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं लिखता, अखबार भी नहीं लिखता, टेलीविजन भी नहीं दिखाता। वो एक आदमी के दिखा करके विरोध दर्ज कराना चाहता है, बोला मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने मतल क्यों मत भाई, तू नहीं बोलेगा तो करेगा।
बोल क्या करेगा? अरे भारत माता की जय करेगा। बोले कैसे करूंगा जो बोलते ही नहीं? तो देख मुसलमान है, मुसलसल ईमान है। बोले हाँ, मैं नमाज करता है, करता हूँ। सिजदे में जाता है, जाता हूँ। जब जब सिजदे में जाता है तो माथा कहाँ ठोकता है? धरती पे ना। मुंह से नहीं बोलता है, सिर्फ पटक पटक के बोलता है, वंदे मातरम वंदे मातरम। तर्क सम्मत, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। मोदी किसी का दुश्मन नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी के दुश्मन नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने शाश्वतता के सिद्धांत को सिद्ध किया, वो भारत की जनता पर पुरुषोत्तम बनकर के पैदा हुए, राजनीति की मर्यादा को कायम करने वाले पैदा हुए। आपने रामदेव जी के दरबार में अटल बिहारी का चित्र लगा करके इस बात की सिद्धि की है कि अटल बिहारी और रामदेव जी के चरित्र में जो सुगंध थी वो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुई होगी। हम यहाँ पर बैठे हैं, कविता सुनने के लिए बैठे हैं, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। आनंदवादी लोग चले गए, कविता सुनने वाले लोग आकर के यहाँ पर बैठ गए। ये अटल बिहारी की बात करना, अटल बिहारी क्या थे? भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। भिन्न विचारों में कर्तव्य निभाते वो सुविचारी थे। धीरोदात महानायक स्वयं अपनी मृगेंद्रताधारी थे और विस्फोटों के बीच मुस्कुराते वो अटल बिहारी थे। विस्फोटों के बीच मुस्कुराते वो अटल बिहारी थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि है, ये छवि दिखाई देती है। बात पप्पू की करी कुछ लोगों ने, क्या है पप्पू? वो बोला मैं उसकी बात कर रहा था। वो बोला मेरी गर्दन पर रख देगा छुरी। अरे तेरी गर्दन पे कोई पागल ही रखेगा छुरी? कोई पागल ही होगा जो तेरी गर्दन पे रखेगा छुरी। तेरा मांस चील कौओं के नहीं काम का। उसके मांस को चील कौए भी नहीं खाएंगे। तेरा मांस चील कौओं के नहीं काम का। जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं, जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं। व्यर्थ नाम बदनाम करता इस्लाम का, व्यर्थ नाम का बदनाम करता इस्लाम का। अरे मादरे वतन की जय कहने से मुकर गया, नाम मत लेना ऐसे नमक राम का। नाम मत लेना ऐसे नमक राम का। नाम मत लेना उस नमक राम का। नाम लेने की आवश्यकता क्या पैदा होती? हमारे बीच में क्या है? अटल बिहारी के आदर्श है। वो बोले वो चाय वाला, मैं सार्थक कविता पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। मोदी को लेकर के ये बात कही जाती है, लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। एक हमसे बोले मदन जी कि बोले आप भाजपा में काम करते हो, अच्छे दिन का वादा किया था, आए? मैंने आ गए कभी के तुमको नहीं दिखे। बोले कौन से आ गए, कहाँ है अच्छे दिन? मैंने तूने आरएसएस को देखा? बोले हाँ देखा। तो मैंने फिर तेरे को नहीं लगा जो अंग्रेजी में कहा जाता है साधु को वही काम हो गया? फिर क्या हो गया? मैंने वो साधु थे अब्सेंट हो गए। आरएसएस वाले पहले साधु थे अब्सेंट संत हो गए, साधु थे अब्सेंट हो गए, चड्डी से आए कि नहीं अच्छे दिन? और चरखा चला रहे मोदी जी, गांधी जी अब्सेंट हो गए। आप देखो युग के परिवर्तन की धारा को लेकर के बहना चाहता है। कभी किसी के पक्ष का नहीं होता और हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते। जब हम किसी पार्टी के होते हैं तो उस पार्टी के सम्मान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेकर के चलते हैं, और जब हम देश के होते हैं तो उस राष्ट्र की मंगल कामना को लेकर के खड़े होते हैं। तो राष्ट्र की मंगल कामना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने आप का आत्मोत्सर्ग किया। ये इस कवि सम्मेलन के अंतिम क्षण हैं।
जो लोगों की मनोवृत्ति इन सारे के सारे कवियों के बीच में समाहित होकर के विलीन हो चुकी है। लेकिन ये बचे खुचे लोग यदि कविता सुनने की इच्छा रखते हैं तो मुझे आदेश दें, नहीं तो मुझे टक्करबाजी करने का भी शौक है, कर लेता हूँ। लेकिन इस महफिल में करते हुए मुझे संकोच होता है कि हाँ मैं इस महफिल में खड़ा होकर के इस तरीके की टप्पेबाजी क्यों करूं? इस देश के सैनिक को झपट मारे, उस सैनिक को झपट मारे जिसकी माँ स्तन मुंह में दे करके बहन ताले तिलक लगा करके और पत्नी बहुत आदर्श के साथ विदा करती थी, उस सैनिक को झपट मिले? क्या देखा हमने सैनिकों के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन मिला क्या उसे, औकात क्या? ये देश जिसकी जय बोलना है उसकी जय नहीं बोलता। महाराणा प्रताप की जय बोलेगा क्यों, पन्नादाई की क्यों नहीं बोलता? अगर पन्नादाई नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होता, उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप नहीं होता। अब तो सबसे पहले जय बोलना है तो पन्नादाई की बोलना, जिसने अपना बेटा कटा करके राष्ट्र के सम्मान रक्षा कर ली, जो राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए आते होते हैं, उन लोगों के चरित्र की मीमांसा अलग ही किस्म की हुआ करती है। एक कविता पढ़ना है तो ये बच्चे खुचे लोगों के बीच में एक कविता सार्थकता के साथ ही पढ़ी जाए तो वो अच्छा लगेगा। मामा मामा चिल्ला रहे थे, मामा की बात कर रहे थे, ये सारे के सारे भाजपा के लोग जानते हैं और हम भी अपने समाज की स्थिति को जानते हैं। एक कविता पढ़ता हूँ। इतनी नाजुक तो न बनो तुम, थर्मस तक न उठाया जाए, शर्म है बेटी बचाओ। बेटी क्या है, किस्मत का करिश्मा नहीं, कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां। कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां, ये दुनिया बनाए रखती वो अमृत है बेटियां। ये दुनिया बनाए रखती वो अमृत है बेटियां, दुख दर्द के कांटों में बन गुलाब वो खिली, दुख दर्द के कांटों में बन गुलाब वो खिली, अमृत कलश है पुण्य मुहूर्त है बेटियां, अमृत कलश है पुण्य मुहूर्त है बेटियां। इन पुण्य मुहूर्तों के बीच में बैठ करके मामा जो बात करते हैं, वो लड़की मुझसे बोली कि सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं। ये कविता सुनिए साहब, आप भाजपा के लोग हैं, मेरा संदेश, आज मुख्यमंत्री आए थे यहाँ है? सुहासरा आए थे तो यही थे ना है, उन तक ये संदेश यहाँ से पहुँचे। एक लड़की ने मुझ तक संदेश पहुँचाया, वो लड़की कौन थी, संदेश वाहक कौन थी, वो मुझसे बोली कि सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं। सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं, कितनी पावनता समाज में बिखरी हुई विचित्र दिखाऊं। अरे घर से बाहर होते ही दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ रावण कुछ कीचक कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए, समय वही समाज में मैं मर्यादा की रेखा हूं, धर्मशास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूं, मैं नारी हूं, पौरुष का पावन लेखा हूं, मैं नारी हूं, पौरुष का पावन लेखा हूं, यही छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले, यही छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले, चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले, चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले, घर से ये शासकीय महाविद्यालय, ये महाविद्यालय उसके प्रांगण में पढ़ रहा हूँ,
इस देश के आदमी की हालत क्या है। कक्षा में मास्टर पूछता गांधी जी कौन थे, कक्षा के सभी छात्र मौन थे, लेकिन रामरतन खांसता खसारता हुआ बोला, कमी नहीं रहती माशा तोला, आंखों को मटका सा खोल उठा, गांधी जी का परिचय खोल उठा, बोला मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूमल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहते थे, नए नए धर्म को चलाते थे, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, मुसलमान धर्म को चलाया था, लिखी है उन्होंने भगवत गीता, मेघदूत भी उनका मन चीता, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन सावधानी थे, पर किसी को गलत दवाई देने पर अथवा मरीज के न रहने पर सर नत्थू ने उन्हें मारती गोली। ये हालत है शिक्षा की। हम कहा तो बोले सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ दिखाऊं, कितनी पावन था समाज में बिखरी हुई विचित्र भावी। घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं कुछ रावण कुछ कीचक कुछ शासन इर्द गिर्द मंडराए। धर्म शास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूँ, मैं नारी हूँ, पौरुष का पावन लेखा हूँ, यही छिपे हैं मुझे बरात पर, यही छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले, चर्म वस्त्र के उजले और चरित्र के काले, घर से अध्ययन शाला तक पूछा करते हैं, सबके सब कहते हैं मुझ पर ही मरते हैं, ये पंक्तियां दे रहा हूँ, सबके सब कहते हैं मुझे ही मरते हैं, अरे दिखा न कोई, दिखा न कोई, दिखा न कोई मुझको लाज बचाने वाला, लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला, लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला, लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। राम कृष्ण गौतम गांधी की पावन धरती, राम कृष्ण, राम कृष्ण गौतम गांधी की पावन धरती, युग के नए कीर्तिमानों को चित्रित करती, ये मेरे हम सफर हम वतन मेरे भाई, चौराहे पर नायक जैसे दिए दिखाई, खल नायक का रोल अदा करते रहते हैं, गौरववान संस्कृति को करते रहते हैं, तुम कवि हो, तुम कवि हो, तरुणाई का गौरव गाते हो, इस यौवन की गौरव गाथा दोहराते हो, तो इस यौवन की गहरा यौवन की गौरव गाथा दोहराते हो, तो मेरी इस पीड़ा को